टैलेंटेड प्लेयर संजू सैमसन का विवाद बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली तक जा पहुंचा है। हर जगह अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को ना एशिया कप में टीम में शामिल किया गया, ना वर्ल्ड कप टीम में, ना उन्हें ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के खिलाफ टी20 टीम में जगह दी गई, जिसके बाद से फैंस लगातार नाराज हैं। फैंस ने सोशल मीडिया पर बीसीसीआई पर जमकर भड़ास निकाली है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले मैच के दौरान भी तिरुवनंतपुरम में सैमसन के नारे लगे। इन सब बातों को लेकर जब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा, संजू बढ़िया खेल रहा है, वो भारत के लिए खेल चुका है और टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने से वो चूक गया। वो टीम इंडिया के प्लान में है, वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में भी है। इसके अलावा उसने आईपीएल में बढ़िया प्रदर्शन किया है और राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी भी बढ़िया से की है। सैमसन ने हाल में इंडिया टीम ए की कप्तानी की और उनकी अगुवाई में इंडिया ए ने 3 ऑफिशियल वनडे मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ए को 3-0 से हराया। आपको बता दें कि संजू सैमसन भारत की ओडीआई और टी20 टीम से अंदर बाहर होते रहे, जिसके चलते चयनकर्ताओं ने टी20 विश्व कप के लिए उनकी अनदेखी की है। संजू ने अभी तक खेले 16 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 296 रन बनाए हैं।